24 में आपका स्वागत है। हम इस वक्त पहुंच चुके हैं विकास खंड धौरहरा की ग्राम सभा कलुआपुर के अंतर्गत, एक मजरा आता है यहाँ पर चमारनपुरवा, वहाँ पर हम इस वक्त खड़े हैं। यहाँ पर एक प्रधान जी के ऊपर आरोप आया है, उसी विषय में हम लोग आए हैं उसकी जानकारी लेने के लिए कि प्रधान जी के ऊपर एक आरोप लगाया गया है कि प्रधान जी जो यहाँ के अंसार अहमद हैं उनके ऊपर 20,000 रुपये प्रत्येक आवास पर धन उगाही करने का आरोप है। तो उसी विषय में हम आए हैं, आप लोग हमारे साथ बने रहिए और हम आप लोगों को पल पल की खबरें देते रहेंगे। नमस्कार। हाँ बाबा बताइए, क्या नाम है? रामचरण। कौन सा गांव है ये? ये कलुआपुर का है। कलुआपुर की ग्राम सभा है। तो प्रधान जी पर एक आरोप लग रहा है कि आवास पे जो है उन्होंने पैसा ले लिया है, आवास से पैसा ले रहे हैं, तो इसके संबंध में क्या आप कहना चाहते हैं? इसमें कितनी सच्चाई है? आपका आवास बना है? हाँ बना। अच्छा, नहीं लिए। क्या नाम है प्रधान जी का? अंसार। अंसार नाम है प्रधान जी का। अच्छा, ग्राम सभा कलुआपुर है ये, उसका मौजा है ये, क्या नाम है गांव का मौजे का? ठीक है। और ग्राम क्या नाम है आपका? राम प्रसाद। अच्छा, एक बात बताइए, जो यहाँ पर एक आरोप आपकी ग्राम सभा में लगाया गया प्रधान जी के ऊपर कि प्रधान जी प्रत्येक आवास पर 20,000 रुपये ले रहे हैं, तो ये कहाँ तक सच है? हाँ, ये गलत है। गलत है? हाँ, पैसे एक नहीं प्रधान लिया। अच्छा अच्छा अच्छा। और हमारे मौजे में पहला नंबर काम अच्छा हो रहा, काम कर रहे हैं। हाँ, तो आपका सफाई कर्मी वगैरह आ रहा है? हाँ, वो भी बराबर आ रहा। अच्छा अच्छा, यानी ये जो आरोप लगाया जा रहा है प्रधान जी के ऊपर, ये नाजायज है। ये नाजायज है। हाँ, प्रधान जी पैसे नहीं ले रहे हैं? हाँ, पैसे एक नहीं ले रहे। आपको आवास मिला है? हाँ, आवास मिला है। अच्छा, कितने वाला था? एक लाख बीस हजार। आपको पूरा पैसा? हाँ, मिला? पूरा पैसा हमको मिला। क्या नाम है बाबा? ये प्रधान जी पर जो आरोप लग रहा है, गलत लग रहा था कि ये जो है 20,000 रुपए आवास पे ले रहे हैं। मैं गलत कहना किसी का। तो इसके संबंध में क्या आपको आवास मिला है? हाँ, आवास है, हमको पिछला मिला है, ये प्रधान नहीं मिला। अच्छा, तो ये जो बात जो उठ रही है आवास वाली, ये गलत उठ रही है। अंसार के लिए कोई दुश्मनी चार्ज किया था, मतलब किसी एंटी पार्टी ने जो है ये किया। हाँ, कोई आरोप लगाओ इनके ऊपर। हाँ, इसलिए पैसे नहीं लिए। इसमें सच्चाई नहीं है? सच्चाई नहीं है, ये केस सब झूठा। हमारा नाम पुत्तन है जी। जी, ग्राम चमारनपुरवा। अच्छा अच्छा, जो ये आरोप लगाया जा रहा है प्रधान जी के ऊपर जी कि 20,000 रुपये एक आवास पर ले रहे हैं, ये सब गलत है। ये सब गलत है? हाँ, ये किसी के बहकाव में आकर के इन्होंने कहा है। अच्छा, बाकी हमारे प्रधान बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हर सबके कंधा मिला करके वो चल रहे हैं। अच्छा अच्छा, यानी कोई किसी प्रकार का पैसा नहीं ले रहे हैं? न किसी प्रकार का पैसा नहीं ले रहे हैं, नरेगा में सबको बराबर काम दे रहे हैं। अच्छा अच्छा, और सफाई कर्मी भी हमारे यहाँ आता है, और प्रधान हमारे अगर किसी की मिट्टी हो जाए तो चाहे 24 घंटा लगे, प्रधान बगैर मिट्टी कराए जाए नहीं सकते। अच्छा अच्छा, चलिए धन्यवाद। तो ये प्रधान जी पे जो आरोप लग रहा है कि जो है 20,000 रुपये आवास पे ले रहे हैं, तो इसके संबंध में क्या आप जानकारी दे रहे हैं? क्या सच्चाई है इसमें? क्या है सच्चाई? नहीं है। हाँ, मगर ऐसी जानकारी मिली है, ऐसा सुनने को मिला है हम लोगों को, इसीलिए तो हम लोग यहाँ गांव में आए रिपोर्टिंग के लिए। तो आखिर ये क्यों ऐसा यह बात उठ रही है कि 20,000 रुपये आपको आवास मिला है? मिला है। तो आप कौन से प्रधान जी ने पैसे लिए? अरे पैसा आपसे लिया है नहीं लिया ये बताइए आप। अच्छा, क्या नाम है आपका? कौन सी ग्राम सभा है आपकी? कलुआपुर। आप ये गांव कौन सा है आपका मौजा? ये चमारनपुर। आपका आवास बना है? बन रहा है। बन रहा है अभी। चलिए, कौन सी ग्राम सभा है ये? कलुआपुर का मौजा है, चमारनपुर। अच्छा अच्छा, तो कौन सा प्रधान है यहाँ के? सर, आपको आवास मिला है? हाँ, आवास मिला है। बन रहा है आवास? बन चुका है, फिट हुई है। अच्छा। हाँ, तो ये प्रधान जी पे का आरोप लग रहा है कि 20,000 रुपए आवास पे लिया जा रहा है। नहीं, नहीं। हाँ, आपसे लिया 20,000 रुपए? काम बढ़िया करते हैं। अच्छा, काम बढ़िया कर रहे हैं प्रधान जी। तो ये 20,000 रुपए आपसे क्या लिया गया कि नहीं? ना लिए हमसे, कोई से ना लिए थे। आपको पूरा आवास का पैसा दे दिया गया? हाँ, सब दे दिए, 1,20,000 दे दिए। आपका आवास पूरा कंप्लीट हो गया? कंप्लीट हो गया। क्या नाम है बता दीजिए प्रधान जी? प्रधान का क्या नाम है? प्रधान क्या? अंसार नाम।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम इंसान अली है। तो कौन सी ग्राम सभा का मौजा है ये? ये कलवापुर ग्राम सभा का मौजा चमानपुरवा है। अच्छा अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम इंसान अली है। तो ये प्रधान कौन है आपके यहाँ के? मेरे यहाँ के प्रधान अंसार हैं। अच्छा, तो क्या आपको आवास मिला है? जी, आवास को मिला है। तो एक आरोप आ रहा है प्रधान के ऊपर, एक आरोप लग रहा है कि जो है 20,000 रुपये आवास पे ये ले रहे हैं जी, तो इसके संबंध में आप क्या कह रहे हैं? क्या सही बात है? ये मुझसे तो नहीं लिए हैं, हो सकता है कि ये खिलाफ पार्टी जो है उनकी, अच्छा अनजाने आदमी जो उनके खिलाफ हैं, तो वो हो सकता है कि ऐसा पदवा लगा सकते हैं। अच्छा अच्छा, लेकिन वो ऐसा काम कर नहीं रहे हैं। नहीं कर रहे हैं क्योंकि बहुत अच्छा, और हमारे मौजे में काम सबसे नंबर एक चल रहा। अच्छा, आपके मौजे में काम कैसा चल रहा है प्रधान जी का? कैसा काम कर रहे हैं? नंबर एक काम चल रहा है। अच्छा, ये भी बराबर वो भेज रहे हैं और ये कार्य बहुत अच्छे से देख रहे हैं। अच्छा, और नरेगा वगैरह जो है बहुत सही काम चला रहे हैं, हर एक व्यक्ति को दिखाई दे रहे हैं। तो ये आरोप जो लग रहा है प्रधान जी के ऊपर, तो ये आपके हिसाब से गलत है? गलत है और नाजायज है, सरासर गलत है। सर, गलत इल्जाम लगाया जी, क्योंकि आपको पैसे नहीं दिए। अच्छा, आपको आवाज़ दिया गया है? जी, दिया गया है और बना भी है, उसमें बच्चे भी रह रहे हैं। अच्छा, आपको पूरा पैसा आवाज़ का मिल गया? पूरा पैसा 1,20,000 रुपया मैंने अपने खाते से निकाल कर लाया। अच्छा अच्छा, उसमें प्रधान अपन दौरा धोती किए और मुझको आवाज़ दिलाए, तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि इसमें जो है पैसा लिया जा रहा है? सही बात। चलिए जी हमारा नाम मिथिलेश कुमार है। ये कौन सा मजरा है? एक ग्राम सभा कलवापुर है, इसका छोटा सा हिस्सा टुकड़ा है, चमारनपुरा भी लगता है। अच्छा अच्छा, एक यहाँ पर आरोप लगाया गया है प्रधान जी के ऊपर, आपके प्रधान जी का, पहले आप अपने प्रधान जी का नाम बताएं। हमारे प्रधान जी का नाम है अंसार। अच्छा, आपके प्रधान जी के ऊपर एक आरोप लगाया जा रहा है कि ये आवास के ऊपर। अरे गाड़ी खड़ी। अच्छा बताइए, क्या नाम है? अंसार अहमद। कौन सी ग्राम सभा के प्रधान है? कलवा के ग्राम सभा। अच्छा, आपको एक आरोप लग रहा है कि 20,000 रुपये आवास पे लेने का आरोप है, ये कहाँ तक सच्चाई इसमें है, आप इसके बारे में जानकारी दें। गलत है सर, हमारे ग्रामीण से पैसे नहीं लेते हैं। अच्छा, इधर कितनी आवासें आपने दी हैं? 115 आवास आपने दिया अपने द्वारा। तो ये जो आरोप बेबुनियाद ये लगाया जा रहा है आपके ऊपर, तो ये आप क्या बेबुनियाद है आरोप, उसके बारे में क्या कह रहे हैं? ये सब अघोषित वाले हैं। अच्छा हाँ, लगवा रहे हैं इधर से उधर। अच्छा, तो ये जो मामला सामने आ रहा है, तो ये क्या गलत है? ये सब गलत। अच्छा, ग्रामीण से पूछ लीजिए, लाभार्थियों से पूछ लीजिए, जाके जिनको आपने आवाज़ दी है। जिनको आवाज़ दी है। तो ये जो काम आखिर ये ऐसा एक वीडियो भी वायरल हुआ था, तो ये कैसे हुआ, क्या इसके बारे में आप जानकारी ग्राम को दें? ये लोग जो अपोजिट वाले हैं, इन्हीं के कहने पे वायरल करवाया गया। अच्छा, तो उसी के पड़ताल में हम लोग, हमारी टीम यहाँ पहुँची है कि भाई जानकारी ली जाए इस बारे में कि ये इसमें कहाँ तक सच्चाई है, ये जो आरोप आप पे लगाया जा रहा है, तो इसमें कहाँ तक सच्चाई है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? तो सब गलत है, सब झूठा इल्ज़ाम लाद रहे हैं। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है? ऐसा कुछ नहीं, चलिए कुछ भी नहीं है। चलिए, धन्यवाद सर।